बार में बात समझ नहीं आती है क्या, जो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई? वरदान, मेरा पीछा करने से बेहतर कि तुम मलय को बचाने के बारे में सोचो, और अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। जब से तुम मलय की लाइफ में आई हो, मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं लाई। अगर तुम मलय को खुश देखना चाहती हो वरदान, तो छोड़ दो उसे। क्या छोड़ो छोड़ो लगा रखा है अपू? मेरी मलय से शादी हुई है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, शादी हुई है? तो डिवोर्स का नाम तो सुना होगा तुमने। कर दी मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहां तुमने मलय को डिवोर्स दिया और वहां वो जेल से बाहर, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ मेरा पति। जैसा कि उसे होना चाहिए था, बस तुम्हें ये तीन जगह साइन करना है अपने होने वाले एक्स पति को आजाद करने के लिए। इसे तुरंत कस्तूरी बाई के पास ले जाना पड़ेगा। अभी कौन आ गया? क्या हुआ? हटो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अप्पू तो घर पे नहीं है, मलय से मिलने गई। अरे अप्पू, अप्पू, मैंने कहा ना आपको कि घर पे नहीं है, और वैसे भी मुझे नंदिता आंटी को लेके लॉयर के पास जाना है।
घर जाइए ना, बाद में आइएगा। इनका चेहरा क्यों ढका हुआ? रुके, वो उन्होंने मले के लिए प्रण रखा है कि सबसे पहले वो देवी माँ का चेहरा देखेंगी। तू इसे मारे पास ले आई, अब मैं इसका सारा जहर निकाल के फेंक दूंगी। ये कैसे करेंगे आप? देखती जा। क्या कर रही हैं आप अप्पू के साथ? एक विषकन्या का विष निकालने के वास्ते अब उसे जरा सा दर्द तो होगा ही ना। दर्द, दर्द, चलो उठो, तुम्हारी सारे केसेस ड्रॉप कर दिए, तुम्हारे बीबी ने तुम्हें बचा लिया। करता जब तुम उससे प्यार ही नहीं करती तो इस लेटर का भी कोई मतलब नहीं है।